भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये जो खामोशी दिख रही है इसके पीछे बहुत बड़ा तूफान है और ये शाम ढलते ढलते हो सकता है कि बड़े पर्व के रूप में तब्दील हो जाए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा उत्तेजना में आकर, बहुत ज्यादा खुशी में आकर हम कुछ नुकसान अपना कर बैठे। तो सोशल डिस्टेंसिंग, अभी कोरोना गया नहीं है, जो आपको मिला है वो कोरोना के कारण ही मिला है, कहीं ना कहीं वो बच्चों का दोस्त है। और पिछले साल भी 10वीं से 11वीं में और 11वीं से अब 12वीं बच्चे आ गए, सब कुछ ठीक ठाक रहा, बच्चों का बहुत अच्छा दोस्त है, 12वीं से आगे भी पता नहीं। मैं अब मूल देश पर आ जाता हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही सब लोगों को? Yes, सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक yes, है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन ये जो बाबा साहब ने कार्य किए इसकी परिणति क्यों हुई? आप सभी अपने अनुभव से ये जानते हैं कि जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जैसे जैसे कुंबे में संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कुछ चीजें जो नियम है, कायदे हैं, वो धीरे धीरे अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे भारतीय समाज के साथ हुआ। हजारों सालों की गुलामी के कारण हम लोगों का जो मूल उद्देश्य था, जिसके कारण हर भारत का गांव आत्मनिर्भर था और किसी भी प्रकार की छुआछूत जात पात व्यवस्था नहीं थी, व्यक्ति कर्म के आधार पर उसकी जाति तय होती थी। जैसा कि मैं जीव विज्ञान की भाषा में आपको बताऊं कि यदि ये ब्राह्मण है सिर, तो हाथ क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पैर और हाथ ये शूद्र है। यदि हम ये बात विभाजन की बात करें तो कभी भी आप तुलना नहीं कर सकते कि कान ये शिकायत करें कि मैं क्यों सुनूं, मैं तो आंख के जैसे कल से देखना शुरू करूंगा। आगे कहे बहुत हो गया, देखते हमें गुलाब जामुन खाता मुंह है और अब हम आज से खाने का काम शुरू करेंगे, क्या यह संभव है? नहीं। वर्ग विभाजन पहले भी था, आज भी है, जिसको हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते थे, महाराज मनु ने जो व्यवस्था बनाई थी प्राचीन काल में, आज भी जनरल एससी एसटी ओबीसी के आधार पर हम लोग विभाजित हैं। इसके बाद भी हम एक हैं, क्योंकि अनेकता में एकता ये भारत की विशेषता आज से नहीं हजारों पीढ़ियों से चली आ रही, और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी बगीचा अकेले एक प्रकार के फूलों से अच्छा नहीं लगता, इसमें सभी प्रकार की फुलवारियां होना चाहिए। तो हुआ क्या? हुआ ये कि आज से 12 बजे के पहले हमारा वाक्य था रोको मत जाने, बच्चों को रोको, रोक के रखना, उनको पढ़ाना है, मत जाने दो। लेकिन धीरे 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 समय बदला और बात हो गई रोको मत, जाने दो। ये जो है, जब इतने समय में आप 2 से 3 घंटे आज के आज में इतना परिवर्तन हो गया, एक ही सेंटेंस था, भाव और अर्थ बदल गए, ऐसा ही कुछ हमारे भारतीय समाज के साथ हुआ। कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था बनी थी, जन्म के आधार पर कब परिवर्तित हो गई, और हम समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर बैठे। हमने कहा कि ब्राह्मण का काम केवल वेद पाठ है, विद्या अध्ययन है, अध्यापन और अध्ययन का कार्य रहेगा, वो तलवार नहीं उठाएगा। क्षत्रिय का काम है तलवार उठाना, वो रक्षा करेगा। वैश्य का काम है वो वाणिज्य का काम करेगा, तलवार नहीं उठाएगा। शूद्र का काम केवल सेवा करना है। ये जब 2 घंटे के अंदर ये परिवर्तन हो गया, सेंटेंस वही है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, भाव बदल जाते हैं। साथियों, यदि हिंदी आपने पढ़ी होगी तो एक ही वाक्य की 3 शब्द शक्तियां होती है, अविद्या, लक्षणा और व्यंजना। चूंकि संस्कृत और व्याकरण आपको ना पढ़ाई गई है और ना हमारे सिलेबस में अभी तक आई है, और इसका खामियाजा हमारी संस्कृति को बहुत अधिक पतन के रूप में देखने को मिला। साथियों, यदि आप वास्तव में धर्म को जानना चाहते हैं, जो कि एक ही है सत्य सनातन धर्म,
तो उसके लिए आपको वेद पढ़ना पड़ेंगे, वेद है संस्कृत में, संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती, और हम तो जो भी ज्ञान हमें मैक्स मूलर के रूप में या किसी और दूसरे के रूप में विद्वान के रूप में जब वो ये कहते हैं कि वाह भारतीय संस्कृति तो गजब की, हमने हजार प्रकार के लोगों को देखा, हजार देशों को देखा, संस्कृतियां देखी, नष्ट हो गई, लेकिन क्या बात है कि कुछ बात है कि अस्थि मिटते नहीं हमारी, वैसे तो सदियों के दुश्मन रहा है जहां हमारा, यही बात है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, वही जो मनु ने प्राचीन काल में मनुस्मृति के रूप में एक विधान बनाया था कि ये काम जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं वो लोग ब्राह्मण कहलाएंगे, जो रक्षा का काम कर रहे हैं क्षत्रिय कहलाएंगे, वैश्य व्यापार करेंगे, सुधि सेवा का काम करेंगे, वो किसी के घर में भी हो सकते हैं, वो एक शरीर में भी हो सकते हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है शिक्षक साथियों के साथ कृपया स्थान ग्रहण करें, बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, मैं नहीं चाहूंगा कि वो थकावट महसूस करें। ये था समय के साथ चीजें बदलती गई, तो जो विधान दिया गया उसमें देखिए, यदि आप मनुस्मृति पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि यदि सूत्र कोई काम करता है, कोई गलत काम करता है तो उसको केवल 2 रुपए का दंड है, वैसे यदि कोई गलत काम करता है तो उसको 200 रुपए का दंड है, क्षत्रिय काम गलत करता है तो उसको 2000 रुपए का दंड है, और यदि वही गलत काम स्वयं काम ब्राह्मण के द्वारा किया जाए तो उसको मृत्यु दंड है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो विद्वान है, उसको समझ है। उसी तरह यदि जो नियम जानते हैं पढ़ते हैं उसके बाद भी फॉलो नहीं करते, उन पे ज्यादा दंड दिया जाए, उनको सजा ज्यादा दी जाए। एक छोटा सा बालक कोई गलत काम करता है, गलती करता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। 6 का बालक आपको, 7 के बालक को, 10th के, 9th के बालक को कुछ कहता है, हम लोग इग्नोर करते हैं, वो आपके पास, आप हमारे पास उसको लेके आते हैं, सर ये ऐसा ऐसा बोल रहे, हम कहते हैं वो छोटा है बालक, माफ कर। यह स्थिति हमारे समाज में हम कह सकते हैं वैश्य और शूद्र की, कि बहुत कम दंड में और उनको माफ कर दिया जाता था, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा चीजों को, आपको वेदों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप ये कह सकते हैं कि हमारा भारत, हमारी संस्कृति सही थी या गलत थी। आप केवल एक बात से उसको सही या गलत सिद्ध नहीं कर सकते कि किसी ने कहा कि सूत्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, वो गलत है, पहले भी गलत था, आज भी गलत है। और नवोदय विद्यालय के रूप में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो भी समाज में बोला जाता है उसका यहाँ पर कहीं असर दिखाई देता है? हम लोग कभी जातपात की बात करते हैं, हाँ या नहीं? कभी ऐसा हुआ कि हमने जातपात के आधार पर किसी बच्चे को अलग ट्रीट किया, दूसरे बच्चे को अलग ट्रीट किया, अमीर को अलग ट्रीट किया, गरीब को अलग ट्रीट किया? क्या आपने ऐसा कभी देखा? इसका मतलब हम डॉक्टर साहब के सिद्धांतों पर 100% खड़े होते हैं। हमें थोड़ा सा जीवनी पर प्रकाश डालो, जैसा कि मैंने कहा कि अर्थ का अनर्थ कर दिया गया और ये कहा गया कि मेरे सूत्रों के विद्या अध्ययन के कोई अधिकार नहीं रहे, लेकिन आप एक बात तो मानेंगे, इसके बाद भी ये जो हमारे आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने विद्या अध्ययन किया, चैलेंज स्वीकार किया, क्योंकि देश मेरा और बदलने का मेरे पास ही पावर है, इस बंद ने मुझे शक्ति दी है, मैं बदलाव लाऊंगा। हम लोग गंदे को गंदा कहकर और विदेश में चले जाएं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो ऐसा है, यहाँ तो छुआछूत है, यहाँ तो जात पात है, अच्छी भली नौकरी तो चल रही थी, बाबा साहब ने भी LLB किया, जर्मनी से पढ़ाई की, फ्रांस से पढ़ाई की, इंग्लैंड से पढ़ाई की, सेटल हो सकते थे, रह सकते थे, वो भी स्वार्थी हो सकते थे, मगर नहीं। यही पहचान होती है असली देशभक्त की, कि वास्तव में आप क्या बदलाव ला सकते हैं। गंदगी देखकर तो हम भी दायर हो जाएंगे, आप भी दायर हो जाएंगे, असली व्यक्ति तो वो होता है जो उसको साफ करे, और वो सही रूप से देशभक्त वही है जो समाज में व्याप्त गंदगी को, बुराइयों को दूर करके एक अच्छे समाज का निर्माण करे। प्राथमिक शिक्षा के बाद जब उनको गायकवाड़ महाराज, बड़ौदा महाराज के द्वारा छात्रवृत्ति मिली, आगे पढ़ाई विदेश में हुई, पढ़ाई करने के बाद जब वो यहाँ आए प्राध्यापक के रूप में, तब भी उनके साथ बहुत सौतेला व्यवहार हुआ, लोग हाजिरी के रजिस्टर उनके सामने रख देते थे, ऐसे फेंक के चले जाते थे, और जो कुछ भी तुमने सुना है
पढ़ा है, देखा है, वो उसकी मैं यहाँ चर्चा करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि यदि हम उसी चीज को जिसके वो दुश्मन थे, जिसके वो विरोधी थे बाबा साहब, यदि कोई बातें आज भी दोहराई जाएंगी और हम कोई भी बदलाव नहीं लाएंगे, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। 14 अप्रैल 1891 महू इंदौर के नगर मध्य प्रदेश, वो पवित्र भूमि जब बाबा साहब ने अवतार लिया। मैं इसलिए अवतार कहूंगा कि हिंदू समाज में आप यदि संत रविदास देखें, संत वाल्मीकि देखें, आप वेद व्यास ही देखें जिन्होंने महाभारत की रचना की, कई वेद पुराण लिखे, यदि जाति की बात करें तो मुझे क्षमा कीजिए, वो कोई बहुत बड़ी जाति की नहीं थी। वाल्मीकि जी की बात करें तो बहुत बड़ी जाति के नहीं थे, लेकिन रामायण लिखे। वेद व्यास जी बहुत बड़ी जाति के नहीं थे, लेकिन उनकी पढ़ी हुई महाभारत हम लोग पढ़ते। तो ये जो हुआ है ये कालांतर में हमारी गुलामी के कारण प्लस हमारी जो संस्कृति और संस्कृति के नष्ट होने के कारण ये सब चीजें आई बुराइयां, और उनको दूर करने के लिए अवतारी पुरुष के रूप में डॉक्टर साहब का आग्रह हुआ। तब उन्होंने ये निर्णय लिया और मूक नायक नाम से समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। धीरे धीरे भारत की आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष भी किया, और आप सब जानते हैं कि कानून मंत्री के रूप में, भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने अपना स्थान और नाम सुशोभित किया। अब बात आई संविधान बनाने की, कि देश चलेगा कैसे, समाज चलेगा कैसे, हर कोई अपना अधिकार मांगेगा, कर्तव्यों की चिंता किसी को नहीं रहेगी। तो एक समरसता पूर्ण समाज बनाने के लिए, एक भाईचारे की भावना के साथ काम करने के लिए, एक आदर्श देशभक्त के रूप में डॉक्टर साहब ने संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, और जो संविधान बनाया तब से लेकर आज तक संशोधन तो हुए लेकिन उनकी बातों को कोई काट नहीं सकता। और उसी चीज का परिणाम है जब उसे एक संविधान को आधार मानकर अच्छी तरह से हम नवोदय विद्यालय के रूप में और सभी पूरे देश में सभी लोग फिर मिलकर भाईचारे के रूप में रहते हैं। मेरा आपसे केवल एक ही विनम्र अनुरोध है, यदि हम डॉक्टर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आज से और अभी से किसी भी रूप में छुआछूत, भेदभाव, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव बिल्कुल बंद कर दीजिए। आजादी के बाद 1956 की बात है, बहुत दुखी हुए कि मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी इस समाज को बदल नहीं पाया। यकीन मानिए देश बहुत बड़ा था, भारत भी था उसमें, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, क्या करते हैं। तो उन्होंने अपने साथ अपने अनुयायियों को लेकर कम से कम 80,000 अनुयायी थे, और नागपुर में एक अधिवेशन हुआ कि चलो धर्म बदल लेते हैं, इस धर्म में अपना कुछ होने वाला नहीं है। बहुत कह सकते हैं ना कि बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा समाज होता है तो अकेला चला भार नहीं पहुंच सकता। उस स्थिति में उन्होंने कहा कि मैं धर्म बदल ले या संप्रदाय बदल ले, तो बहुत से स्वार्थी लालची लोग उनके पास गए, ये वाला धर्म अपना लो, ये बहुत सस्ता है, इसमें आ जा, इसमें आ जा। तब भी उन्होंने एक आदर्श देशभक्त के रूप में समाज को एक करने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया, जो कि हिंदू धर्म की एक शाखा है। 10वें अवतार के रूप में गौतम बुद्ध को हम मानते हैं वेदों में और पुराणों में, इतने महान थे वो। और हम कह सकते हैं कि हम केवल तभी, जिस तरह से हम नवोदय में रहते हैं, ऐसे ही समाज का निर्माण यदि हम करें तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बोले भारत माता की। इतना सुनने के बाद भी आपकी आवाज नहीं निकल रही, इतनी खुशी होने के बाद भी आवाज नहीं निकल रही, कब निकले? बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय।